व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यता इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ जागरणमन्त्राः प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्र त्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भग प्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो
जनय गोभिरश्वैर्भग प्रनृभिन्नृवन्त श्याम उतेदानीं भगवन्त श्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवांगस्तु देवास्तेन वयं भगवन्त स्याम तन्त्वा आभग सर्व इज्जो हविते सनो भगपुर एता भवेह ओम शांति 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 को अपने शरीर के एक एक रोम रोम में, अपने मन में, अपने हृदय में, विचारों में, भावनाओं में महसूस करते हुए और अपने अंदर ही विराजमान उस परम पिता जगत माता के साथ अपने आप को महसूस करते हुए एक मिनट के लिए बैठेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पे लगाते हुए आंखों को खोल दीजिए। तो हम आज देव यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। पहले जागरण मंत्र, फिर ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, और फिर किसी के पास समय है तो वेदों में कितने सारे सूक्त हैं, वेद पाठ कर सकते हैं, उनके अर्थ के ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं। तो देव यज्ञ में जैसे यज्ञशाला में जाते हैं, संकल्प लेते हैं, फिर सभी अंगों का स्पर्श करके सब अंगों की पवित्रता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाह्य गोलक भी पवित्र करने की प्रार्थना करते हैं और अंदर की इंद्रियों को भी पवित्र करने की प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले देवों का आह्वान करते हैं कि आप आइए और हमारी यज्ञशाला की उत्तर दिशा में बैठ जाइए, और यजमान भी बैठ जाए, आप भी यजमान के साथ बैठ जाइए। और जब सब देवता, आगंतुक शक्तियां और अपने पृथ्वी लोक के भी जो यज्ञ प्रेमी अपने साथ बैठ जाते हैं तो फिर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और बाहर की अग्नि के साथ साथ अपनी आत्मा की अग्नि को भी प्रज्वलित करते हैं उसी समय। और फिर बाहर से उस अग्नि को जलाना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ाते रहना, उसमें आहुति देते रहना। तो ऐसी प्रार्थना उन मंत्रों में की गई है, मैं अच्छी समिधाओं से आपको बढ़ाता हूँ, तीव्र घी से आपको बढ़ाता हूँ। ऐसे आहुतियां अपने आत्म अग्नि में भी प्रतिदिन और प्रतिपल व्यक्ति को देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आहुति नहीं देंगे तो बुरी आहुति ऑटोमेटिक ही अपने आप चली जाती है। तो ये आत्म अग्नि हमारी दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर तभी बढ़ती है जब निरंतर इसमें अच्छी अच्छी आहुति डालते रहें। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, शरणागति समर्पण के माध्यम से,
हर समय उसमें अच्छी अच्छी आहुति डालते रहें तो वो यज्ञ सतत चलता रहता है। तो ऐसे उसको अपनी आत्महवि दे करके, अयंत इद्म आत्मा हो अभिषिक्त, आत्महवि देकर जग जननी के शरणा, जोगी जोग जुगत से करना। भजन गाते हैं ना हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, जो भजन गाते थे उसको कई बार अपने यहाँ भी सुनाते हैं उसको। आत्मा गंग तन तीर तरंगित, आत्मा तो गंगा जैसे पावन है और वो गंगा जैसी पावनता की फीलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का ही अस्तित्व ही शरीर में, शरीर तो बेचारा जड़ है, मन भी जड़ है, तो ये जब फीलिंग आ जाए तो समझो कि बहुत ही अच्छी साधना की उन्नति हो रही है साधक की। आत्म गंग तन तीर, और शरीर उसका किनारा है, तीर मतलब किनारा, तो इस किनारे पे बैठ के, शरीर रूपी किनारे पे बैठ के उस आत्मा रूपी गंगा में उतरना है किनारे से। अभी तो किनारे पे बैठे हैं हम, तन के स्तर पर जी रहे हैं। आत्म गंग तन तीर तरंगित, हृदय घाट उतरना, जैसे गंगा में उतरने के लिए घाट बने होते हैं, ऐसे ही आत्मा में उतरने के लिए हृदय रूपी घाट है, क्योंकि आत्मा का निवास हृदय में ही बताया है सब शास्त्रों में। तो हृदय से होते हुए शरीर से पहले मन में उतरे, मन से फिर प्राण में, प्राण से फिर हृदय में, जैसे कि रात को सोते समय भी इसी क्रम से अंदर जाते हैं हम, और फिर हृदय में उस आत्मा या परमात्मा तत्व के अंदर डुबकी लगा के पवित्र होके फिर सुबह बाहर आते हैं। तो ये तो भगवान की व्यवस्था है, लेकिन साधक ध्यान के समय अपनी खुद की महत्वाकांक्षा से, अपनी खुद के संकल्प से, अपने खुद के अभीप्सा से, जिज्ञासा से, मुमुक्षा से फिर वो हृदय के अंदर उतरता है। तो फिर वहां आगे का हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर, गंगा में उतरे एक बार, आत्म गंगा में उतरे तो अभिषिक्त हो गए, नहा लिए जैसे पवित्रता से। तो ऐसे जब साधक यज्ञ करता है या ब्रह्म यज्ञ करता है तो समझो कि हम अंदर से नहा लिए, बाहर से तो रोज नहाते ही हैं, अभिषिक्त हो गए, भगवान ने हमारा अभिषेक कर दिया, जगत जननी माता ने हमें नहला धुला करके साफ सुथरा बच्चा बना दिया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नहला देती है और फिर कहती जा अब खेल के आ जा, तो ऐसे प्रभु हमें अंदर से नहला देते हैं जब हम ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ ध्यान उपासना में होते हैं, और फिर हमें इस संसार में भेज देते हैं कि जाओ अब खेल लो शाम तक, और शाम को फिर मेरे पास आ जाना, तुम्हें सारी धूल झाड़ दूंगी, सारी गंदगी फिर से हटा के फिर निर्मल कर दूंगी। ऐसे यहाँ पर इस मंत्र में भी कहा है, अयंत इद्म आत्मा जात वेदः तेन इद्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसेन अन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। और यहाँ तक यज्ञ को बढ़ाने के बाद फिर जल सिंचन करके जल से भी प्रार्थना की जाती है, हे जल आप अद्वितीय स्वरूप हैं, अखंडित हैं, आपको कोई खंडित नहीं कर सकता, नदी में तालाब में कोई तलवार लेकर के ऐसे पानी को काटना चाहिए तोड़ना चाहिए तो काट नहीं सकता है, पानी को तोड़ नहीं सकता है, अखंड है वो पानी। तो ऐसे हमारा यज्ञ भी अखंड चलता रहे, ये जल हाथ में लेके प्रार्थना की जाती है, अदिते अनुमन्यस्व अनुमते अनुमन्यस्व, आप सबके अनुकूल हो जाते हो इसलिए कोई आपको तोड़ नहीं पाता है, जल से कहा जा रहा है। तो ऐसे हम भी संसार की हर परिस्थिति के अनुकूल हो जाएं, क्योंकि जो भी परिस्थिति जीवन में आती है हमारे ही कर्मों का फल होता है, तो हम उसको स्वीकार करके उसके अनुकूल हो जाएं तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता है। और यदि हम रिएक्ट करने लगते हैं कि ये नहीं चाहिए,
तो फिर उसको कोई हटा नहीं सकता, वो तो आती ही है। अदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वते अनुमन्यस्व, सर श्री श्रीपलरी गतौ, आप निरंतर आगे सरकने वाले, गति करने वाले हैं, जल कभी रुकते नहीं है। तो ऐसे मेरा जीवन भी किसी सुख में या दुख में कहीं रुके नहीं, अनुकूलता में या प्रतिकूलता में कहीं रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे, सम्मान में या अपमान में कहीं रुके नहीं। क्योंकि व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो भोग करने लग जाता है, और दुख मिलता है, अपमान मिलता है, तो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो यहाँ बताया कि ऐसे ही गति रहे मेरे जीवन में, जैसे आपकी गति रहती है, जल की गति रहती है। तो ऐसे तीन साइड में जल छिड़क दिया, फिर चौथी साइड में छिड़क दिया, देव सवितः प्रसुव यज्ञम। ये यज्ञ भी मैंने नहीं, आप ही ने प्रसुव उत्पन्न किया है, आपसे ही पैदा हुआ ये सारी सृष्टि एक यज्ञ के रूप में। और गीता में भी कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति। सृष्टि के आदि में उस प्रजापति ने इस सृष्टि को यज्ञ रूप रचा था। तो सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, सूरज चांद से लेके, हवा से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के। यज्ञ का मतलब होता है दूसरे का भला करना और इदं न मम की भावना रखना। तो ये सारी सृष्टि हम सब प्राणियों का भला कर रही है, और इदं न मम की भावना है, कभी कोई हमारे को ऐसे अभिमान नहीं जताती है कि मैं आपके लिए कितना कर रही हूँ। ऐसे यहाँ पर कहा, देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम, और यज्ञपति को भी आपने ही रचा है, आपने ही बनाया है, इसका भी अलग अस्तित्व नहीं है। यद्यपि ये यज्ञपति मानता रहता है ऐसे कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो इसकी सृष्टि भी परमात्मा ने ही की है। प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय, ऐश्वर्य के लिए की है। भगवान ने ये सारा ताम झाम शरीर सृष्टि क्यों बनाई, कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी आत्माएं हैं, मेरे अत्यंत प्रिय हैं, ये अमृत पुत्र पुत्रियां हैं, ये मेरे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके। भगाय, दिव्य ऐश्वर्य को, डिवाइन ऐश्वर्य को फील कर सके, इसलिए भगाय दिव्यो गंधर्वः, आप दिव्य शक्तियों वाले हैं, आप गंधर्व हैं, इस पृथ्वी को भी गंध से, सुगंध से युक्त करने वाले आप ही हैं। इन फूलों में जो भिन्न प्रकार की सुगंध है वो पृथ्वी से आती है, और पृथ्वी में उस परमात्मा से आती है। केतपोहु केतम, हमारी केता निघंटों में बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है, कुछ लोग शरीर के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे शरीर मन बुद्धि, उनके आप केतपोहु पवित्र करने वाले हैं। केतपोहु केतम नह पुनातु, पुनातु माने पवित्र कर दीजिए। वाचस्पति ही वाचम नह स्वदतु, और हे वाणी के स्वामी, आप हमारी वाणी को भी स्वदतु, स्वाद युक्त कर दीजिए, रस से युक्त कर दीजिए, मधुरता से युक्त कर दीजिए। ऐसे चारों तरफ जल सिंचन करके फिर अगली आहुति डाली जाती है उत्तर दिशा में, ओम अग्नये स्वाहा। ये आगे हवन को बढ़ाते हुए, यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए, ये आहुति मेरी अग्निदेव के लिए है, ये अग्निदेव के पास पहुंचे। अब अलग अलग देवताओं को अलग अलग हवि प्रदान की जा रही है। तो अग्नि का अर्थ पहले काफी बार बताया जा चुका है, फिर उसके बाद ओम सोमाय स्वाहा, सोम देवता के पास। जीवन में ओज तेज होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, आग होनी चाहिए, दिव्य संकल्प होने चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ सौम्यता भी होनी चाहिए। क्योंकि यदि सौम्यता नहीं है तो फिर व्यक्ति अत्यंत तनाव से युक्त हो जाएगा, फिर वो उस आग से खुद ही अपने आप को तपाने लगेगा। आग का स्वभाव तपाना भी है ना, तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो कुछ साधक कभी कभी इतना ज्यादा जप करते हैं, सारी सारी रात जगते हैं,
और फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर उनको लगता है ये साधना से तो कुछ मिला नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर उसको छोड़ देते हैं वो। तो इसलिए योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी आया है कि तप उतना ही करना चाहिए जितने से आपको इरिटेशन ना हो, उससे कम भी नहीं करना और उससे ज्यादा भी नहीं करना। उससे कम करते हैं तो गति नहीं होगी, ज्यादा करेंगे तो फिर तनाव पैदा होगा। तो इसलिए अग्नि के साथ साथ सोम के लिए भी यहाँ पर आहुति दी गई है, ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा। और दोनों आहुतियां देते समय ये उच्चारण किया गया, इदम अग्नये इदन्नममा, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नममा। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है मतलब इस आहुति को देते हुए मैं अपनी कोई बदले में महत्वाकांक्षा नहीं रख रहा हूं, बल्कि ये भगवान की स्तुति करना, पूजा करना, आहुति देना, ये मेरा कर्तव्य है। तो जो काम कर्तव्य भाव से किए जाते हैं उसमें कोई फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। इदम अग्नि, ये हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम इस सृष्टि यज्ञ को, जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाएं और उन देवताओं की शरण में आएं। इदम सोमाय, क्योंकि सब उसी ने दिया है तो उसी के लिए ही फिर समर्पित भी है। इदम सोमाय इदन्नममा। फिर आगे बीच में दो आहुतियां दी गई हैं, इदम प्रजापतये इदन्नममा इदम इंद्राय, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नममा, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नममा। हमारे यहाँ एक बिटिया ने मेरे से प्रश्न पूछा कि जी जब यज्ञ पूर्णाहुति को प्राप्त होता है, जो लास्ट आहुति हम डालते हैं उसमें हम प्रजापतये ऐसे उच्चारण नहीं करते हैं, मौन आहुति डालते हैं, और आहुति डालने के बाद ऐसे बोलते हैं इदम प्रजापतये इदन्नममा। तो बोले यहाँ पर फिर उच्चारण क्यों करते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नममा, यहाँ तो उच्चारण करते हैं वहां नहीं करते हैं, आहुति दोनों प्रजापति के लिए ही है। ऐसे आप लोगों को भी प्रश्न उठाने चाहिए, जैसे हमने अयंत इद्म आत्मा इसकी आहुति 5 बार ही क्यों दी, 4 बार या 6 बार भी तो दे सकते थे। तीन संविधाएं ही क्यों समर्पित की, 5 संविधाएं भी तो कर सकते थे। तो ऐसे आपको खोज करनी चाहिए, आप खोजेंगे तो फिर चिंतन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, दही को मंथन करने से मक्खन निकलेगा, नहीं तो कुछ लोग तो कहते हैं बोल ठीक है जी दूध पी लेते हैं उसमें मक्खन भी आएगा, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी, उसका दही बनाओ फिर उसको मथने से मथो, तो ठीक है अपना मक्खन जा ही रहा है दूध के साथ उतना ही ठीक है। तो लग रहा है आप दूध पीने वाले भाई बहन हैं, ज्यादा मंथन की जरूरत नहीं है आपको। वो तो देख लेना, मैं आगे चर्चा कर लूंगी पाठ में। तो यहां पर प्रजापतये स्वाहा, ये जो सब प्रजाओं का स्वामी है, देखो ब्रह्म की भी कई सारी स्टेजेस हैं, ब्रह्म की कुछ शक्तियां हैं जो हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। तो एक प्रजापति शक्ति ये है, और फिर एक प्रजापति है जो इस सारे लोक लोकांतरों से, इस सृष्टि से परे है, उसके लिए वेद में आता है त्रिपादस्य अमृतम दिवि। ये सारी सृष्टि तो भगवान का एक पाद है, एक पाद माने 1/4 पार्ट है, 1/4 भी वहां पूरा पूरा नहीं है, एक छोटा सा अंश है ये तो भगवान का, उसका बहुत बड़ा अंश तो इस सृष्टि के पार अमृत लोक में अदृश्य पड़ा हुआ है, जो दिखता ही नहीं है। ब्रह्म का तो छोड़िए, हमारा खुद का भी 99 पार्ट तो अदृश्य है अभी, हमारी शक्तियों का, उसका तो हमें भी परिचय नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं।
कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त करने की क्षमता है हमारे अंदर, वो हमें भी नहीं पता है। हमें बस उतना ही पता है सुबह उठे, हाथ मुंह धोए, नहाए धोए और अपना, चलो अभी तो एक नई दिनचर्या चल पड़ी, नहीं तो योग किया और कभी कभी यज्ञ किया, कभी तो नहीं किया, और अपने दिन का वही रूटीन उसको करके शाम को सो गए, अगले दिन उठ के फिर वही रूटीन, वही खेत की सेवा, वही पशुओं की सेवा, वही घर की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, फिर सो गए, फिर उठ गए, 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 और फिर सो गए और फिर सो ही गए, फिर नहीं उठे। ऐसी रूटीन अभी तो हमारी, इतने कोई हम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने जाना उसको, उन आत्मवेत्ताओं ने बताया कि आपका 99% अस्तित्व तो अभी अदृश्य है। तो ऐसे ही परमात्मा का है, जो ये लोक लोकांतर इतनी विराट सृष्टि दिखाई दे रही है, ये तो एक अंश है उसका। तो वो जो एक अंश वाली शक्ति है, उसके लिए यहां पर बोला जा रहा है, ओम प्रजापतये स्वाहा, जो इस सारी प्रजा का स्वामी है, उस शक्ति के लिए मैं अपनी आहुति दे रहा हूं। तो इसलिए यहाँ उच्चारण किया जाता है, क्योंकि वो तो स्थूल सृष्टि है, वो दिखाई देती है, इसलिए स्थूल वाणी से उसका उच्चारण किया जा सकता है उस शक्ति का। और जो लास्ट में आहुति दी जाती है, वो जो 99% अदृश्य ब्रह्म है, परब्रह्म है, उसको देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, सुना भी नहीं किसी ने, देखने वालों ने भी इतना ही बताया कि वो नहीं देख पाए। तो उस अदृश्य के लिए जब हम आहुति अपनी देना चाहते हैं, तो वहां तो वाणी मौन हो जाती, क्योंकि वो तो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, इंद्रिय अतीत है, तो इसलिए वाणी बोल नहीं सकती उसके बारे में। जब आप ध्यान में या समाधि में प्रवेश कर जाएंगे किसी दिन, तो वहां का आनंद क्या होता है, तो वो समाधि के समय नहीं बता सकते, जागृत अवस्था में समाधि से वापस आने के बाद तो बता सकते हैं, उस समय तो वाणी मौन हो जाती है, लेकिन शरीर होते हुए भी न होने जैसा हो जाता है। स्वरूप शून्यम इव समाधि, तदेव अर्थ मात्र निर्भासः, स्वरूप शून्यम इव समाधि। तो स्वरूप हमारा, ये स्थूल स्वरूप हमारा शून्य जैसे हो जाता है, तो इसलिए वहां पर शून्य जैसे हो जाता है जब उस परात्पर परब्रह्म के लिए हम चिंतन करते हैं, तो इसलिए लास्ट में मौन आहुति दी जाती है। तो आगे फिर प्रातःकालीन यज्ञ के लिए सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। अब ऐसे तो सारी चीजें जड़ दिखाई देती हैं, लेकिन जड़ के पीछे चेतन कार्य कर रहा है इस सृष्टि में। तो सूर्य एक बहुत बड़ा, एक जड़ शक्ति भी है, और उस जड़ के पीछे जो चेतन शक्ति है, वो भी सूर्य के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। तो उस चेतन शक्ति के लिए, जो सूर्य को भी चमका रहा है और सूर्य के को शरीर बना करके उस शरीर की जो आत्मा रूप है, उसके लिए आहुति दी जा रही है, सूर्य ज्योति। और वो ज्योति क्या है, सूर्य का ही एक रूप है, सूर्य और ज्योति दोनों अलग अलग नहीं है, उनके लिए हम अपनी आहुति देते हैं। तो सूर्य के उदय होने से ही ये सारी सृष्टि अस्तित्व में आती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, यदि सूर्योदय ना हो तो हमारे जीवन आगे नहीं चल सकते हैं, पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, और पृथ्वी का अन्न फल फूल जो उगते हैं वो भी सूर्य के प्रकाश में ही आगे बढ़ते हैं, वो यदि नहीं होगा तो भी हम भूखे ही मर जाएंगे फिर। तो ये बहुत बड़ी एक परमात्म शक्ति है हमारे पास सूर्य, तो उसको उठ के प्रणाम भी करना चाहिए, अर्घ भी देना चाहिए पानी का लोटा भर के। अब उसके पीछे की भी बहुत बड़ी कोई साइंस होगी, वो रिसर्च करना अभी बाकी है। हमारे पूर्वज सुबह उदय होते ही सूर्य को जल चढ़ाते थे, और जल के माध्यम से जो किरणें आती हैं आंखों के लिए, वो बहुत कल्याणकारी होती हैं, तो उसकी वो भी करना चाहिए, और इधर आहुति भी देनी चाहिए, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा। सूर्य दीप्ति से युक्त है, वर्चस वर्चस माने दीप्ति,
तो उसकी दीप्ति के लिए स्वाहा हम ये आहुति दे रहे हैं, और फिर एक आहुति को फिर से दोहरा दिया, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति ही, सूर्य के लिए, उसकी ज्योति के लिए, उसकी दीप्ति के लिए, उसकी शक्ति के लिए, उसकी कृपा के लिए हमारी ये आहुति है। सजूर देवेन सवित्रा सजू उषसेन द्रवत्या, सजू देवेन, देवेन सूर्य देवेन सजू, सजू माने साथ में, सूर्य के साथ साथ सवित्रा प्रेरणा देने वाली, जब सूर्य उदय उदय होता है तो एक प्रेरणा देने वाली शक्ति भी आती है, वो किसके साथ रहती है, सजू उषसा, उषा के साथ साथ, सूर्य को उषा से प्रेम है, अंधकार से प्रेम नहीं है। सजू रुषसेन द्रवत्या, इंद्रवत्या है यहाँ पर, ई को ही आदगुण से गुण होकर के ए बन गया। तो प्रातः कालीन जब सूर्योदय हो रहा है तो उषा के साथ जो प्रेरणा देने वाली शक्ति है, उषा ही तो प्रेरणा देती है हमें कि अब दिन निकल आया, चलो अब अपने काम पे लगो। और मनुष्यों को तो ये वेद शास्त्र भी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन पशु पक्षियों को कौन प्रेरणा देता है, कौवे को कौन बताता है अब आकाश में उड़ो, कबूतर को कौन बताता है, चिड़िया को कौन बताता है, तो ये उषा ही प्रेरणा देती है उनको कि अब उषा काल हो गया, अब वो अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं या खुशी मनाते हैं वो तो वो ही जाने, लेकिन सुबह उषा काल होते ही वो चहकने लगते हैं, पुष्प महकने लगते हैं अपने आप ही। तो यहाँ पर ये आहुति उस उषा के साथ आने वाली जो प्रेरणा देने वाली सविता की सवित्रा शक्ति है उसके लिए आहुति दी जा रही है, और उसके लिए कहा जुषाण जुष्प्रीतौ, हमारी उस आहुति से वो खुश हो जाएं, हमसे प्रीति करें, प्रीति करने वाली उस प्रेरक शक्ति के लिए ये आहुति दी जा रही है। सूर्यो वेतु, और भगवान सूर्य इस हमारी आहुति को, वेतु जो व्याप्त है सूर्य, वो जान ले कि हमने आहुति दी, स्वीकार कर ले। वागतव, तो आज का पाठ यहीं तक ही रखेंगे आप इसके ऊपर, और थोड़ा चिंतन कीजिए, फिर कल सायंकालीन आहुतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल 1 घंटे का पाठ रहेगा, अभी आस्था पे आपसे मिलेंगे, तो यहाँ अभी विदा लेते हैं आपसे। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, उषा भी मंगलमय हो, पूरा दिन भी मंगलमय हो, खूब आनंद से आपका दिन बीते, ऐसी प्रभु से प्रार्थना, ऐसी शुभ कामना, मंगल कामना सभी के लिए। ओ शांति 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 ही, श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः।